आर्थिक संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संकट काल में भी ग्राहक वोडाफोन आइडिया से किनारा करते नजर आ रहे हैं, जिससे कंपनी को करोड़ों का घाटा भी होता चला जा रहा है। लेकिन क्यों छोड़ रहे हैं लोग वोडाफोन आइडिया का साथ? आंकड़े कहते हैं कि नवंबर 2021 में कंपनी को करीब 19 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ है। ग्राहकों के मामले में पिछले 5 महीने में कंपनी के लिए सबसे बड़ा झटका रहा है। इस 19 लाख में से करीब 12 लाख ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र के थे, जिन्होंने वोडाफोन आइडिया का साथ छोड़ दिया। इस नुकसान की प्रमुख वजह घटिया नेटवर्क यानी खराब सिग्नल्स को माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के एक्टिव यूजर्स में लगातार 36वें महीने गिरावट आई है। पैसों की तंगी से जूझ रही वोडाफोन आइडिया का घाटा तीसरे क्वार्टर में बढ़कर 7,230 करोड़ रुपए हो गया है। सितंबर तिमाही में कंपनी को 7,132 करोड़ रुपए और पिछले साल की अवधि में 4,532 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं परिचालन से राजस्व 11% गिरकर 9,717 करोड़ रुपए रह गया है, जो पिछले साल समान अवधि में 10,894 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि कंपनी के शेयर का प्रदर्शन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जिसमें कंपनी का शेयर काफी टूट चुका है। बीते एक हफ्ते में शेयर 13% से ज्यादा टूटा है, वहीं एक महीने में शेयर 21%, 3 महीने में 22%, 1 साल में 7% और 3 साल में इसने मात्र -50% का रिटर्न दिया है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि कर्ज के जंजाल में फंसी इस कंपनी का क्या हाल है। बीते एक साल में दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही कम ग्राहक वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने पिछले साल में महज 14 लाख नए 4G यूजर्स अपने साथ जोड़े हैं, जबकि इसी दौरान एयरटेल ने 3.4 करोड़ और जियो ने 2 करोड़ यूजर्स अपने साथ जोड़े हैं। केवल साल में होने वाला नुकसान ही वोडाफोन आइडिया की परेशानी की इकलौती वजह नहीं है, बल्कि वोडाफोन आइडिया पर एजीआर की तलवार भी लटकी है, जिसके लिए कंपनी की ओर से सॉल्यूशन भी निकाला गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोडाफोन आइडिया ने स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE को बताया है कि बोर्ड बैठक में स्पेक्ट्रम ऑक्शन की किस्तों का बकाया और एजीआर की पूरी रकम ब्याज के साथ चुकाने के लिए नए प्लान पर सहमति बन गई है, जिसके मुताबिक कंपनी इस बकाया का भुगतान सरकार को हिस्सेदारी के जरिए करेगी, यानी सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की 35.86% हिस्सेदारी होगी। आपको बता दें, टेलीकॉम इंडस्ट्री में नवंबर के महीने में थोड़ा सुधार देखने को मिला। इस दौरान एयरटेल ने करीब 13 लाख और जियो ने 20 लाख नए ग्राहक जोड़े। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर वो यूजर्स थे जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि जब ट्राई दिसंबर की सब्सक्राइबर संख्या का खुलासा करेगा, उस वक्त पता चलेगा कि टैरिफ में बढ़ोतरी का क्या प्रभाव कंपनियों पर रहा है और कौन सी कंपनी कितने नुकसान में रही है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।